हेलो फ्रेंड्स, सो माई सेल्फ सोनू परिहार। आज हम लोग बुलिया सॉन्ग का इंट्रो पार्ट, प्लकिंग पार्ट जो भी है वो हम लोग सब सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंट्रो पार्ट में एक लीड पार्ट प्ले होता है। वो लीड पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? जी स्ट्रिंग पर, सेवेंथ फ्रेट, ओके। देन बी स्ट्रिंग, सिक्स फाइव। एक बार मैं प्ले कर देता हूँ। ओके, सो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट विथ जी स्ट्रिंग, सेवेंथ फ्रेट, देन सेकंड फिंगर से बी स्ट्रिंग, सिक्स, देन फाइव, देन सिक्स, देन एट, देन सिक्स, देन फाइव, देन जी फाइव, देन जी सेवेंथ। ओके, देन सेकंड पार्ट जो है इसका वो स्टार्ट होता है जी स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट। ये पार्ट है। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जी से, फिफ्थ, देन बी, सिक्स फाइव, सिक्स एट, सिक्स फाइव, देन जी फिफ्थ, देन डी विथ फोर्थ फिंगर एट्थ। ओके, मैं एक बार टैप्स दिखा देता हूं आपको, तो आप स्क्रीन पॉज करके ये टैप्स की हेल्प से प्ले कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग के टैब्स हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके इसकी हेल्प से प्ले भी कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है, सो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है हमारा जी एंड बी पर। तो जी पर सेवन, देन बी सिक्स, फाइव सिक्स एट, सिक्स फाइव सिक्स, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, ये टू टाइम प्ले होगा लाइक दिस। देन जो सेकंड पार्ट है वो डी वायर एट्थ फ्रेट से स्टार्ट होगा और बी पर सेम प्ले हो रहा है, सिक्स फाइव सिक्स एट, सिक्स फाइव सिक्स। देन इसका जो थर्ड पार्ट है वो सेवेंथ फ्रेट से स्टार्ट होगा, डी वायर और बी पर सेम प्ले होगा। होल पार्ट क्या है, ये टू टाइम है। देन सिंगल टाइम डी से स्टार्ट होगा, देन ओके। नेक्स्ट पार्ट है इसका प्लकिंग पार्ट, जहां से वोकल स्टार्ट होते हैं। तो प्लकिंग पार्ट जो है, मेरी रूह का परिंदा, उस जगह पर क्या आता है? सबसे पहला कॉर्ड है आपको डी माइनर सेवेंथ कॉर्ड आना चाहिए। डी माइनर सेवेंथ कॉर्ड लगाने के लिए देखिए, सबसे पहले बार कॉर्ड डी माइनर यूज करते हैं हम, और उसमें से फोर्थ फिंगर हटा देंगे, तो ये जो शेप रह जाएगा इसको बोलते हैं डी माइनर सेवेंथ। देन सेकेंड शेप आपको आना चाहिए एफ मेजर सेवेंथ। अब एफ मेजर सेवेंथ के लिए क्या करते हैं, देखिए बार कॉर्ड एफ मेजर को हम जो यूज करते हैं वो करते हैं बी स्ट्रिंग, जी एंड डी, ये तीनों को प्रेस करते हैं फोर्थ फिंगर से। ओके, ये एफ बार है। कौन कौन से फ्रेट में है? एट, नाइन्थ एंड टेंथ फ्रेट में। अब इसकी जगह हम क्या करते हैं, सेकंड और लास्ट पिंकी फिंगर को हम यहाँ रखते हैं बी स्ट्रिंग पर, और इस स्ट्रिंग को यहाँ रखेंगे सेकंड फिंगर को, जी स्ट्रिंग और नाइन्थ फ्रेट। ओके, मतलब सिर्फ एक मिड जो नोट है उसको एक बैक कर देते हैं यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ मेजर सेवेंथ। ठीक है, और थर्ड एंड फोर्थ शेप मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट प्लकिंग पार्ट इज स्टार्ट विथ, कैसे कैसे पार्ट प्ले होंगे, सबसे पहले डी माइनर सेवेंथ और राइट हैंड से आपको प्ले करना होगा, फाइव फोर टू थ्री, ओके। देन एफ मेजर सेवन, फाइव फोर टू थ्री। देन आपको एक शेप यूज करना है, सेकंड फिंगर जो है
वो आपको रखना है 6th फ्रेट ई स्ट्रिंग के ऊपर, और जो फर्स्ट फिंगर है उसको रखेंगे हम 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, एंड 3rd फिंगर को B string 6th फ्रेट। और यहाँ पर हम जो प्ले करेंगे राइट हैंड से वो करेंगे 6 3 2 3, ओके। देन जो 4th पार्ट है उसके लिए हमें क्या करना होगा, 10th फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर ई वायर, देन 2nd फिंगर को रखेंगे 3rd स्ट्रिंग पर, 3rd फिंगर को बी स्ट्रिंग पर, देन सो होल पार्ट इज ओके। नेक्स्ट पार्ट इसका स्ट्रमिंग पैटर्न है, रांझड़ दे यार बुलिया। उस स्ट्रमिंग पार्ट पे आपको पावर कॉर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। पावर कॉर्ड्स के लिए सबसे पहले मैं फंडा बता देता हूँ पावर कॉर्ड का। कोई भी अगर जैसे आपको डी का पावर कॉर्ड यूज करना है, फर्स्ट फिंगर डी पर रखिए और 1 फ्रेट स्किप करके उसके जस्ट स्ट्रिंग नीचे वाले पर 4th फिंगर रख लीजिए, और राइट हैंड से ये दोनों स्ट्रिंग एक साथ प्ले होंगे प्लेक्ट्रम की हेल्प से, ओके। इसमें क्या क्या पावर कॉर्ड यूज हो रहे हैं, सी से स्लाइड करते हुए डी पर, देन एफ, देन फर्स्ट फ्रेट पे ए शार्प, देन जी कॉर्ड, देन ए, देन ए शार्प, देन सी, देन लास्ट में ए। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। सो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।